नाम है आपका? हंसराज गुप्ता। क्या मामला है आपका, प्रकरण क्या है, क्या हुआ है? हमने युवराज सिंह नाम के एक है आदमी, उन्होंने ओलेक्स पर विज्ञापन डाला था कि मैं दुकान किराए पर दूंगा। ओलेक्स के माध्यम से हमने, हमारे लड़के ने उनसे संपर्क किया तो अपना दुकान दिखाए। दुकान सहारा टावर के पीछे है, 14,000 महीना और 2 महीने का एडवांस 28,000, और बारदाना उनका कुछ सामान उसमें था, उसके एवज में 10,000 रुपया और सिक्योरिटी जमा कराए। 14,000 रुपये महीने पे वो हमको दुकान दे दिए। 11 महीने का एग्रीमेंट बना था, 11 महीना के पहले ही उन्होंने हमसे कहा कि चाबी हमको दे दीजिए, हम अपना खुद का दुकान करेंगे और जो आपका पैसा होगा वो मैं आपको दे दूंगा। 1 अप्रैल तक हमारी उनके बीच बात हुई थी कि 1 अप्रैल को हम खाली कर देंगे। इन्होंने चाबी हमसे ले लिया 22 फरवरी को, फिर हमको चाबी ये दिए हैं करीब 4 मार्च को। 11 दिन चाबी उधर अपने पास रखे, फिर उसके बाद हमारे बच्चे बोर्ड का पेपर देकर आए तो होली के बाद 1 दिन दुकान खोले, तो उसके बाद ये कहे कि चाबी हमको फिर दे दीजिए, हम अपना खुद का दुकान करेंगे। और ये 14 मार्च को चाबी लिए, हम अपना सामान वहाँ से सब उठा लाए, ये कहे कि हम पेंट वेंट कराएंगे, अपना दुकान करेंगे, मगर ये किसी और को भी किराए पर दे दिए हैं। तो हमसे पहले जो खाली हो, टाइम से पहले खाली करा है, तो 16 दिन का इधर का किराया, 11 दिन का उधर का किराया, 27 दिन का, 14,000 पर मंथ के हिसाब से करीब 12,500-13,000 ये बना, और 10,000 बारदाना का पैसा, और हमारे दुकान से 600 रुपये का ये उधार भी, चाय वगैरह पीते खाते थे, करीब 23,000 रुपया हमको उनसे पाना रहा। अभी वो रोज़ आज दे रहे हैं, मोबाइल पर भेज दे रहे हैं, 1-2 बार हमारी उनसे वार्ता हुई, वो कह रहे हैं हम मोबाइल पर भेज देंगे। क्या नाम है उनका? युवराज सिंह, और उनका मोबाइल नंबर है हमारे पास, उनका घर अभी नहीं जानते हैं। तो दुकान उन्होंने कैसे, उनके नाम पे दुकान अलाट है क्या, जो आपने किराए पे ली है उनसे दुकान? वो कह रहे थे हमने नगर निगम से अलाट करा रखा है, ओलेक्स पे डाले थे, जब किराए पे हम लेने गए तो कहे कि हमारा नगर निगम से अलाटेड है। हम किस नाम से दुकान है? दुकान वर्तमान में जगमग कैफे के नाम से हम चला रहे थे। तो नगर निगम का कोई उनके पास सबूत है उसका? वो हमको दिखाए नहीं थे। अच्छा, तो दुकान ये नगर निगम ने कब तोड़ी थी वहाँ पे पहुँच के? पिछले गर्मियों में अभियान चला था ना चारों तरफ, अच्छा, दुकानें पीछे करो, तो करीब हमको लग रहा है मई जुलाई के आसपास। वो पक्की दुकान है या ऐसे ही मतलब टेम्परेरी दुकान बनाई गई है? वो दुकान पक्की नहीं है, सहारा टावर के पीछे कुछ जमीन खाली है, वहाँ 4-5 दुकानें लगी है, और वहीं पर ये ठेला टाइप का चक्का वाला गाड़ी पर अपना गोमती एक तैयार उसमें किया है, वहीं पे लगाते हैं। तो आपकी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं इसमें? हमारा जायज पैसा उनसे 23,000 पाना है, जो हमने उनको सिक्योरिटी के तौर पर दिया था 38,000, तो समय पूरा होने से पहले ये कहे कि हमारे पास किराएदार आ गया है, हम दूसरे को दे देंगे, बाकी पैसा हम आपको वापस कर देंगे। तो 10,000 बारदाना का हमको उनसे पाना है, और 27 दिन पहले हमने इनको दुकान हैंडओवर कर दिया, तो 27 दिन का ये हमको किराया देंगे। हमारी कुल कितना हो गया रकम आपको? करीब 23,000 रुपया हमको उनसे पाना है, और वो आजकल कर रहे हैं, अब बाद में नए नए बहाने बना रहे हैं कि हम कुर्सी हमारा 2 पाना है, मीटर का रीडिंग 0 था, कह रहे हैं मीटर का रिचार्ज कराना है, और कोई मैट उनका था पुराना उसका बता रहे हैं कि हम। और कहाँ कहाँ पे इन्होंने कब्जा किए हैं, कहाँ कहाँ पे दुकानें हैं इनकी? वो तो हमसे एक बार कह रहे थे कि हमारी दुकान एक लेखराज पे है, उसको आप उठवा दीजिए, कोई किराएदार मिले तो हम आपको कमीशन भी देंगे। हमने उनकी बात सुनी, हम उनका दुकान देखने नहीं गए थे, मगर ये दुकान पुरनिया पे लेखराज पे और भी बताते हैं, हमारे पास 4-5 दुकानें हैं, कोई मिले तो हम किराए पर दे देंगे।